या दैट यू आर जम्मू नेवर कश्मीर में इन्वॉल्वड। इलेक्शंस की जरूरत है इस तरह का मौका क्या? मुझे लगता है बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी जो भी कार्य हुए हैं पिछले अब जब 5वां साल लगा है और कोई चुनाव नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में जो कड़ी होती है वो एमएलए होते हैं। तो प्रशासन और पब्लिक के बीच में कड़ी नहीं है आजकल। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े नए कार्यक्रम कर रहे हैं और लोग अपनी जगह है, लेकिन जो बीच में कड़ी होनी चाहिए राजनीतिक वो नहीं, वो कड़ी तो चुनाव से ही आएगी, इलेक्शन से ही आएगी। मुझे पूछा गया क्या अब बिल्कुल सेटल हो गया, मैंने कहा नहीं, जब तक इलेक्शन हो के और लोगों के मत के मुताबिक प्रशासन नहीं बनता है तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये विषय। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इसमें छात्र भी इन्वॉल्व होने चाहिए अधिक से अधिक, क्योंकि उन्हीं के लिए तो यूनिवर्सिटी बनती है। यूनिवर्सिटी तो प्रोफेसर के लिए नहीं बनती है, स्टूडेंट्स के लिए बनती है, तो उनका उनकी शिरकत बड़ी ज़रूरी होती है। मुझे आज देख के खुशी है कि आज बहुत सारे छात्र भी आए हुए हैं, युवा पीढ़ी आई हुई है। युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि ये रियासत कैसे बनी, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन लोगों ने इसकी योगदान दिया। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह के हालात हैं इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, जंग जैसे हालात हो गए, कैसे देखते हैं आप? निहायत खतरनाक हालात। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। यहाँ हमास और इसराइल की लड़ाई आरंभ हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में भी हम सोच रहे थे कि ये लड़ाइयाँ ये पिछले युग की बात है, आज के युग में नहीं, लेकिन आज हमारे जीवन में ही ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बहुत गंभीर विषय है और हमें चिंतन करना चाहिए किसके कारण क्या है। डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू यू इज द टू स्टेट सॉल्यूशन स्टिल रेलेवेंट? इज द ओनली सॉल्यूशन अल्टीमेटली, एज फार एज आई कैन सी, द ओनली सॉल्यूशन इज फाइनली अ टू स्टेट सॉल्यूशन। हाउ इट कम्स अबाउट एंड व्हाट द डिटेल्स आर रिमेन टू बी सीन, आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन। बट इज इट पॉसिबल नाउ गिवन द टेंशन? वेल, इट डजंट लुक लाइकली, आई विल से लाइकली, इट डजंट लुक वेरी लाइकली नाउ, but ultimately that is what has to be done. Therefore we've got to realize, the United States must also realize, that ultimately the two state solution has to be not only talked about but actually implemented, which has not happened so far. Sir, you have served in different capacities, you have had a very illustrious career. According to you, sir, who is at fault? Is Israel at fault? I don't know, fault finding, you know, is a very easy thing to do. And I don't indulge in it. It's too easy because it's very simple to say, isne kiya, usne kiya. Whenever there are wars of this nature, there are always two sides to the picture. Even the Ukraine-Russian war, there are two sides. Here also there are the two sides. I don't want to make any opinion at this point in time, except to urge that better sense should prevail and even wider disaster should be averted. रणवीरेश्वर मंदिर, हाँ हाँ, वो तो मैं कल आते ही ट्रेन से उतरते ही मैं वहाँ गया था रणवीरेश्वर। और देखिए, प्राचीन मंदिर ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, 150 साल हो गए, 150-200 साल के बीच में खड़े हैं अभी तक। वो हिस्सा गिर गया दुर्भाग्य से, एक तो मैंने सुना प्राकृतिक प्रकोप ही रहा 2-3 दिन, बड़ी जबरदस्त भयंकर बारिश रही, तूफान वगैरह। अब हम उसको देख रहे हैं क्या किया जा सकता है, किस तरीके से, पहले तो मलबा हटे, उसके बाद ये सोचे कि भाई उसको उन्होंने किस प्रकार से बनाया जा सकता है। वो जो पुराने मटेरियल से तो आजकल तो है ही नहीं, अब तो नए मटेरियल से ही बनाना पड़ेगा ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव यथाशील उसको फिर से मरम्मत की जाए। डॉक्टर साहब, हाल ही में बसोली पेंटिंग्स को जीआई टैग जो है वो दिया गया है, तो कैसा लगता है देख के कि अब एक दुनिया में मशहूर है? जहाँ भी मैं गया हूँ दुनिया के हर एक संग्रहालय में कांगड़ा पेंटिंग हमेशा होती है, बसोली पेंटिंग भी बहुत प्रसिद्ध है। बल्कि हमारी बेटी जो जो डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है, इन्होंने शुरू किया था एक प्रोग्राम, एक सोहन बुलौरिया है, एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट, उनके साथ हम हर साल 2 लड़के रखते हैं जिनको हम
सेमिनार वो देते हैं पैसा देते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है। तो हर साल दो नए लड़के ट्रेन होके आ रहे हैं। तो वो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है हमारी ट्रस्ट की तरफ से कि बसोली पेंटिंग को एक प्रोत्साहन दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब बसोली पेंटिंग को भी पूरी मान्यता मिल रही। सर, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की बात करें, पिछले साल छुट्टी जो है वो अप्रूव हो गई थी, पर लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि छुट्टी काफी नहीं है? छोटी छोटी क्लासेस में उनकी महिमा जो है वो चैप्टर्स में गाई जानी चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात पड़े कि आखिर क्या योगदान। ऐसा है कि महिमा तो महाराजा गुलाब सिंह जी की थी, अरे किसकी महिमा गाए और किसकी न गाए जाए। मैं तो कहता हूँ कि डोगरा इतिहास जो है उसको एक संपूर्ण रूप से देख के उसकी महिमा ढाक डालनी चाहिए। अलग अलग तो गाते रहिए आप, लेकिन संपूर्ण डोगरा कौम की गानी चाहिए। और एक बात बताऊँ आपको, टेक्निकली आई एम द लास्ट महाराजा, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद मुझे रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज महाराजा। सिर्फ ये है कि मैं उस वक्त क्योंकि राजनीति में था, मैंने कहा मैं महाराजा शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, इसलिए लोग भूल गए हैं कि अक्सर लास्ट महाराजा तो मैं था जब तक प्रिंसेस रहे। ये तो ऐसे ही कह रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए बात।